हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब हम रोड को आउटसाइड से कुछ रेज कर देते हैं, कुछ इसकी हाइट को ज्यादा कर देते हैं। अंदर साइड के कंपैरिजन में आउटसाइड से इस रोड को हम रेज करते हैं, तो इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब इसकी नेसेसिटी क्या है, ऐसा क्यों करना पड़ता है? इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था राउंडिंग ए लेवल रोड, लेवल कर्व रोड। यहाँ पर जब व्हीकल मूव करता है तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। बट ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज जितना हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना प्रोवाइड नहीं कर सकता, हम इस पर रिलायबल नहीं रह सकते। इन केस ऑफ, स्पेशली इन केस ऑफ व्हेन व्हीकल मूव्स विद हाई स्पीड एंड टेक्स शार्प टर्न। यहाँ पर ये हमारा देखिए सर्कुलर पाथ एंड दिस रोड, इस रोड को हमने आउटसाइड से रेज कर दिया, तो इसी को कह रहे हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों करना पड़ता है? इन केस ऑफ व्हीकल मूव्स ऑन ए लेवल कर्व रोड, फ्रैक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बट द फ्रैक्शनल फोर्स इज नॉट ऑलवेज रिलायबल एट द सर्कुलर टर्न। इफ द व्हीकल मूव्स विद अ हाई स्पीड एंड टेक्स शार्प टर्न, हाई स्पीड और शार्प टर्न के केस में जो फ्रैक्शनल है वो हमारा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, उस पर हम रिलायबल नहीं रह सकते। नाउ फॉर द सेफ टर्न विदाउट डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन, रोड्स आर बैंक्ड ऑन द आउटर साइड। हमें क्या करना है? रोड्स को आउटर साइड से कुछ ऊंचा, कुछ रेज करना होता है, ड्यू टू विच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, this is normal reaction and the vertical component of this normal reaction is n cos theta। normal component मतलब normal reaction का vertical component n cos theta and this horizontal component n sin theta। this vertical component balances the weight of the vehicle, vertical component of the normal reaction n balances the weight of the vehicle, and this horizontal component, n sin theta provides necessary centripetal force। ये हमारा n sin theta centripetal force provide करता है। ये हमारा normal reaction था, इसके दो component बनाए, here this is n cos theta and here this is n sin theta। ये हमारा जो यहाँ पर रोड थी ये हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाती है ना। पहला केस हम लेते हैं यहाँ पर, फॉर ए व्हीकल मूविंग विद स्मॉल स्पीड। यदि हमारा व्हीकल इस रोड पर एक स्मॉल स्पीड के साथ मूव करता है, स्पीड हमारी यदि कम है तो हो सकता है कि वो व्हीकल हमारा नीचे स्लिप करे, नीचे स्लिप कर सकता है। तो कम से कम कितनी स्पीड से हम व्हीकल को मूव कराएं जिससे कि वो नीचे स्लिप नहीं करे। जब व्हीकल हमारा नीचे डाउन द प्लेन ये स्लिप करता है या करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, दिस फ्रिक्शन फोर्स, राइट। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फर्स्ट दिस इज एफ साइन थीटा एंड सेकेंड इज दिस एफ कॉस थीटा। जब हमारा व्हीकल एक स्मॉल स्पीड के साथ मूव करता है तो वो नीचे स्लिप कर सकता है, इसलिए हमें कम से कम एक वेलोसिटी, एक स्पीड मेंटेन करनी होती है जिससे कि वो नीचे स्लिप ना करे। जब इसकी टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की होती है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इस फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट, दिस इज एफ साइन थीटा एंड हियर दिस एफ कॉस थीटा। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, दिस एन कॉस थीटा प्लस एन दिस इज एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इजिकल टू एम जे, ये दोनों मिलकर वेट को बैलेंस करते हैं और इन दोनों से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। दिस इज एम साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। दोनों अपोजिट हैं, देयरफॉर दिस माइनस दिस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है। देयरफॉर दिस एम साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। This equation number 1 and number 2. Now on dividing equation 2 by 1, so this is n sin theta minus f cos theta divided by this n cos theta plus f sin theta is equal to this mv square upon r upon mg. So here this m cancel by this m, therefore this is v square upon rg. Now for the minimum speed, f is equal to mu into n होता है। F is equal to mu into n. Therefore, this n sin theta minus f, f is equal to mu n into this cos theta upon n cos theta plus f की जगह पर mu n into this sin theta is equal to v minimum square upon rg. Now take here n cos theta common, and this is here tan theta माइनस दिस म्यू अपॉन एन कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉमन, एंड दिस इज वन प्लस म्यू टेन थीटा एंड दिस इज वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड दिस एन कॉस थीटा इज कैंसिल बाय दिस एन कॉस थीटा। देयरफॉर दिस वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। And from here, this v minimum is equal to square root of this r g into tan theta minus mu upon one plus mu tan theta, and this is the minimum safe velocity of the vehicle on the banked road. यदि इस velocity से कम इस velocity से vehicle move करता है on this banked road, that vehicle will not slip down and will take safe turn, right? तो इस तरह से हम यहाँ पर इस व्हीकल की मिनिमम स्पीड, मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड केस, फॉर ए व्हीकल मूविंग विथ हाई स्पीड। यदि हमारा व्हीकल इस रोड पर, कर्व रोड पर वेरी हाई स्पीड से मूव करता है, देन this n cos theta minus f sin theta is equal to mg। ये कैसे आता है देखें, ये हमारा बैंक रोड पर दिस व्हीकल पर ये नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस n cos theta एंड दिस इज n sin theta। नॉर्मल के दो कंपोनेंट, दिस इज n cos theta एंड दिस n sin theta। नाउ जब स्पीड हमारी ज्यादा होती है व्हीकल की, तो व्हीकल हमारा आउटसाइड में स्किड करने की कोशिश करता है, जब स्पीड हमारी व्हीकल की ज्यादा है तो व्हीकल हमारा आउटसाइड में स्किड करता है, और जब आउटसाइड में स्किड करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर लगता है। ये यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड, ये फ्रिक्शनल फोर्स, एंड ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स कैन रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फर्स्ट इज दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस सेकेंड इज एफ साइन थीटा। हियर दिस एंगल इज थीटा बिकॉज ये आपका बैंक रोड का एंगल, बैंकिंग एंगल कितना थीटा है, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। देयरफॉर दिस एफ can be resolved into two rectangular component, this is f cos theta and this f sin theta। Now ये आपका vertical component of the normal reaction balances the weight, means this n cos theta minus f sin theta is equal to mg। ये यहाँ पर दोनों opposite n cos theta and f sin theta, therefore this n cos theta minus f is equal to mg। बट ये दोनों के दोनों कंपोनेंट मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों, इन दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, Therefore, this n sin theta plus f cos theta is equal to mv square upon r. Now, on dividing equation 2 by equation 1, so this is n sin theta plus f cos theta divided by n cos theta minus this f sin theta is equal to mv square upon r upon mg. Now, this m is cancelled by this m, and when this f is equal to mu n, and it is possible at maximum speed. मैक्सिमम स्पीड पर क्या होगा? f इज इक्वल टू म्यू एन. देयरफॉर ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ f हियर एंड हियर, देन वी गेट दिस n sin theta प्लस म्यू एन इंटू cos theta अपॉन दिस n cos theta माइनस f की वैल्यू म्यू एन, दिस म्यू एन इंटू sin theta, एंड दिस इज v max square अपॉन rg. V max square upon rg. Now take n cos theta common here. So here it is tan theta plus this mu here, and here also take n cos theta common. So this is n cos theta is common here. This is 1 minus mu tan theta is equal to v max square upon rg, and this n cos theta is cancelled by this n cos theta. Therefore, this v max square is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज आर जी हेयर, आर जी इंटू tan theta प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan theta. Therefore, this v max is equal to स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू tan theta प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan theta. तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड. ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड हो सकती है, इस स्पीड के साथ व्हीकल सेफ टर्न ले सकता है ऑन द बैंक्ड सर्कुलर रोड. यदि इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से व्हीकल को मूव कराते हैं तो हमारा व्हीकल आउटसाइड में स्किड हो जाता है, तो दिस इज अ expression for the maximum velocity, safe velocity with which the vehicle takes safe turn. Now, if here mu is equal to 0, यदि हम ऐसा suppose करें कि there is no friction between the tires of the vehicle and road, that is mu is equal to 0, then put here mu is equal to 0, put here mu, here 0 and here 0. Then on solving this, tan theta is equal to v naught square upon rg. Tan theta is equal to this is v naught square upon rg. तो इस तरह से हम यहाँ पर इस व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेफ वेलोसिटी ऑन द बैंक्ड सर्कुलर रोड, एज वेल एज पहले पार्ट में हमारी मिनिमम सेफ वेलोसिटी थी, मिनिमम सेफ वेलोसिटी ऑन द बैंक्ड सर्कुलर रोड. मिनिमम वेलोसिटी हमारी दिस स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू tan theta माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan theta, और मैक्सिमम वेलोसिटी इज दिस वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू tan theta प्लस म्यू अपॉन दिस 1 माइनस म्यू tan theta. नाउ न्यूमेरिकल. A 300 kg car has to go over a turn whose radius is 750 meter, angle of slope is 5 degree, coefficient of friction between the car wheels and the road is 0.5. What is the maximum speed of the car so that it may go over the turn without skidding? हमें क्वेश्चन में कहता है कि एक 300 kg की कार, this 300 kg car has to go over a turn whose radius is, सर्कुलर पाथ की रेडियस 750 मीटर एंड द स्लोप इज 5 डिग्री. ये आपका बैंक रोड, इसकी एंगल की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है, this theta is equal to 5 degree and the coefficient of friction is 0.5. Then calculate the maximum speed of the car so that it may go over the turn without skidding. Now here given that m is equal to mass of the car is 300 kg and the radius of the circular path r is equal to 750 meter and the angle of the slope theta is equal to 5 degree and the coefficient of friction mu is equal to 0.5. What is the maximum? हमें वी मैक्स कैलकुलेट करना है विदाउट स्केटिंग, वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड जिससे ये कार विदाउट स्केटिंग मूव कर सकती है ऑन द बैंक रोड. तो वी नो दैट दिस मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आरजी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन दिस वन माइनस म्यू टेन थीटा. हमने ये वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी. हेयर वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपन वन माइनस म्यू टेन थीटा. तो इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं. हियर दिस आर इज द रेडियस, रेडियस इज 750 मीटर एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू नो दिस इज 9.8 एंड टेन थीटा, थीटा इज 5 डिग्री एंड म्यू इज इक्वल टू 0.5 अपन वन माइनस म्यू इज अगेन म्यू दिस 0.5 एंड tan थीटा tan 5 डिग्री. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को. दिस इज 750 इंटू 9.8 इज 7350. नाउ tan 5 डिग्री की वैल्यू हम लॉगरिथम टेबल से देखते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0.087 प्लस दिस 0.5 अपॉन दिस 1 माइनस 0.5 इंटू tan 5 की वैल्यू अगेन दिस इज 0.087. नाउ दोनों को प्लस करते हैं और इससे 7350 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज इक्वल टू 4314 4314